कभी आपने सोचा है कि 1848 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जब भारत में आता है तो आते ही वो नीति लाता है, उस नीति का नाम है हड़प की नीति। अब शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नाम है हड़पना या लैप्स। अब वो कह रहा है कि हम भारत की रियासतों को हड़प लेंगे, उसकी इतनी हिम्मत पैदा होगी, वो खुलकर वो कह रहा है नीति के तौर पे कि हम हड़प लेंगे। जवाब है हाँ, उसकी हिम्मत पैदा हुई और इसके लिए भारतीय जिम्मेदार थे। हुआ ये कि 100 साल पहले जब 18वीं शताब्दी भारत में चल रही थी, तो ये वो समय था भारत का जब सेंट्रल अथॉरिटी टूटी थी और एक राज्य दूसरे राज्य को मारने पर उतारू था। इसी बीच में अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में पैर जमाए और एक एक करके भारत के अधिकांश बड़े राज्यों को हराया, और ना केवल हराया बल्कि कभी सहायता के माध्यम से, कभी रेजिडेंट के माध्यम से इन राज्यों को बांट के रखा, इन्हें अंदर से खोखला किया। और ना केवल खोखला किया, इन्होंने तमाम संस्थाएं भी बनाई जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने पैर जमा लिए। और जब अंग्रेजों को पैर जम गए, अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे अब डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है, तब जाके 1848 में वो खुलकर कहता है कि हम भारत की रियासतों को हड़प लेंगे, और इसी का परिणाम था कि वो 1848 में हड़प की नीति लाता है। धन्यवाद।